लगता है कि आज फिर मंडप जलाकर आया है। शाका का बस चले तो हर मंडप चला दे, यहां के 40 गांव में किसी की शादी ना हो। प्रेमी है, पागल है, दीवाना है। पर ये मत भूल कि दुनिया की नजरों में तू आतंकवादी है और आतंकवादी की प्रेम कहानी नहीं होती। प्रेम कहानी में एक लड़की होती है, एक लड़का होता है, एक लड़का होता है। सुना, लड़का होता है? कभी किसी ने कहा कि आतंकवादी होता है? नहीं, क्योंकि आतंकवादी की प्रेम कहानी होती ही नहीं। लेकिन एक माजी तो होता है। अरे माजी को भूल, गए हुए कल को भूल जा, और आज जो तेरे सामने खड़ी है उसे देख। राख के ढेर में शोलों को हाथ लगाने की कोशिश मत कर, चल जाएगी। नाम मेरा शबनम है, पर आग तो मैं भी हूं शाका। दिलजले, दिलजले, अरे लाले, यहां तो सभी दिलजले हैं। दारा जनरल अब्बासी, हिंदुस्तान की सरहद पार करके अब तुम हमारे मुल्क में आ पहुंचे हो। कहिए, इस नाजीज को कैसे याद किया? हिंदुस्तान में जो तुम्हारी ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही है उससे हमारे हाकिम नाखुश हैं। ओ, तो उन्हें खुश करने के लिए क्या किया जा सकता है? अकेले तुम्हारे बस का काम नहीं है दारा। तो फिर दारा को चारा क्यों डाल रहे हो? वो इसलिए कि तुम्हारे पास ऐसे लड़के हैं जो तुम्हारे एक इशारे पर अपनी जान कुर्बान कर सकते हैं। हाँ, है तो सही। उन लड़कों को सरहद पार लाना होगा, और खास तौर पे शाका। शाका? हाँ, हमने उसकी अखबारों में तस्वीरें देखी हैं, कई किस्से पढ़े। ओ, तो हिंदुस्तान की सरहद के पार भी शाका मशहूर होने लगा। हाँ, हम उन लड़कों को अपने कैंप में ट्रेनिंग देंगे ताकि वो चलते फिरते बम बन जाएं और हिंदुस्तान के कोने कोने में टूट पड़े। टूटो भाई, टूटो। सारी दुनिया की कड़ी नजरें हम पर हैं, लेकिन उन्हें इस बात का एहसास नहीं होना चाहिए कि हम तुम्हारे देश के आतंकवादियों की मदद कर रहे हैं। नो, नेवर। पहले हमें ऊपर से ऑर्डर मिलने दो, फिर तुम अपने लड़कों को लेके सरहद पार चले आना, ना उससे पहले ना उसके बाद।